भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है, खुद 356 रन बनाए। पाकिस्तान बुरी तरह स्ट्रगल करता रहा। इंडिया ने आपके साथ ये किया, तो वैसे खेल रहे हैं। मैंने वो टीवी चैनल ही चेंज कर दिया। आपने टीवी नहीं तोड़ा, शुक्र करें। ये मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, मेरे पास यही की था। वो आप देख सकते हैं, आवाम जो है ना वो दुखी है कि उन्होंने मैच ही देखना छोड़ दिया। हमारी बॉलिंग में अब भी कहूँगा, उनसे बहुत बेहतर है, लेकिन हमेशा परफॉर्म ग्राउंड पे करना पड़ता है, ड्रेसिंग रूम में की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। इतिहाई बुरी परफॉर्मेंस, ये तो रुक ही नहीं सके हैं। पाकिस्तान 228 रन से हारा है। देखें, हम हमेशा दिखाते रहते हैं कि जी हमारे जो ग्रेट बैट्समैन है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जो सही रिकॉर्ड टूटा है वो ये है, जो बहुत ही शर्मिंदगी वाला है, कि भारत ने कभी भी इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को नहीं हराया था, जो आज उन्होंने हमें हरा दिया है। और इसका मतलब है कि मैं फुल क्रेडिट दूंगा इंडियन टीम को कि वो बहुत ही जबरदस्त खेले। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मैं तो इंडिया को दनाता फिर रहा था कि हमारी टीम जब मैदान में आएगी तुम लोगों को छक्के छुट जाएंगे। अब क्या कहूँ, मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। इन बगैतों को शर्म नहीं आई कि इन्होंने आज जो हाल कर दिया पाकिस्तान। क्या रोना आ रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम खेल क्या रही है, बॉलिंग क्या खेली है, बॉलिंग वो ऐसे करे छक्का, ऐसे करे चौका, वो हंस रहा है, बॉलर हंस रहे हैं। दोस्तियां निभाले ना, दोस्तियां निभाले, हाँ, कि हमारी किसी तरह इनके साथ सुलह हो जाए या ये, लेकिन ये वाली टीम नहीं है। मगर हमने कुछ नहीं किया। अब मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि वी आर कम्प्लीटली फेलियर। हमारे सारे टॉप प्लेयर्स फेल हो गए, हमारी बॉलिंग फेल हो गई, स्पिन तो वैसे ही हमारा डाउटफुल था। घंटा बजाया आज विराट कोहली, इंडिया ने मिल गया आप लोगों का घंटा बजा, आज आप लोगों का घंटा, आज आप लोगों के अंदर उंगल गई है उंगल, ये क्यों है आप लोगों के साथ। जय हिंद दोस्तों, कांग्रेचुलेशन अगेन भाई। रात में आप लोगों को मालूम होगा कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है, और ना सिर्फ हराया है और इतिहास भी बनाया है कि 228 रनों के मार्जिन से हराया है। भारत की ये मेरे हिसाब से दूसरी तीसरी बिगेस्ट विन है ओडीआई में, और पाकिस्तान की अपने ओडीआई क्रिकेट में दूसरी सबसे बदतरीन हार है। तो ये है भाई भारत का जलवा, जब भारत देती है तो फिर ऐसे ही हराती है। और विराट कोहली, जो कि मैं कहता हूँ अब इस मैच के बाद तो यूनेस्को को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई विराट कोहली पाकिस्तान के ऑफिशियल फादर है, क्योंकि कहीं भी मैच हो, कैसा भी मैच हो, और विराट कोहली मतलब कि आप लोग ये लेके चल लो कि 60-70% श्योरिटी होती है कि विराट कोहली रन मारेगा, और बंदे ने मारा 122 रन, और टीम इंडिया ने बहुत कम्फर्टेबली ये विन किया, और नेपाल ने भी टीम इंडिया के खिलाफ 230 रन स्कोर कर दिए थे, बट पाकिस्तान की टीम 122 या 128 रन के आसपास मार के सिमट गई। अब यकीन कीजिए कि विराट कोहली ने 122 रन मारे थे और पाकिस्तान की पूरी टीम 128 पे सिमट। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिया और ये बॉलिंग हाईलाइट बन गया। मतलब कुलदीप यादव जब बॉलिंग करने आए, इसके बाद ये तो हर डिपार्टमेंट में हम आउट क्लास हो गए। इतना बुरा हार था, जिस तरीके से खेले, दो ही खिलाड़ी आउट किए हमने 356 के स्कोर पर। देखिए, मैं खुद अपने बॉलर्स को कह रहा था कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे अच्छा लग रहा था, सबसे स्ट्रांग लग रहा था। मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि बाबर बहुत लकी हैं कि उनके पास इतना अच्छा पेस अटैक है, जिसके वजह से वो नंबर वन हो गए रैंकिंग के अंदर, जो ओडीआई की रैंकिंग है। सब मैंने खुद कहा था, मैं खुद इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये हुआ क्या है, क्यों नहीं हमारे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग वैसी रही जो कि भारत ने कराई है। भारत की गेंद पढ़ के सीम हो रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था, और हम कम्प्लीटली फेल हो गए। और जो पहले दो ओवर थे उसके शाहीन के, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हवा में स्विंग करेंगे, उन्होंने गलत लाइन पे गेंद कर दी, टांगों पे गेंद कर दी, छक्के खा लिए और उनके ऊपर रन पड़ गए। तो मैं खुद इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहजेब, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो बेस्ट बॉलिंग अटैक, जिसको मैं खुद कह रहा था कि वर्ल्ड का बेस्ट, वो फेल हो गया। घंटा बजाया आज विराट कोहली, इंडिया ने मिल गया आप लोगों का घंटा बजा, आज आप लोगों का घंटा, आज आप लोगों के अंदर उंगल गई है उंगल, ये क्यों है आप लोगों के साथ। आज छह मान यू यार, आओ करो डिफेंड बाबर आजम को, करो डिफेंड बाबर को जी, बाबर कम बैक करेगा। बाबर आजम ने पिछले दो सालों में इंडिया के खिलाफ 4-5 मैच खेले हैं, जिसमें 2 डक हैं, 2 बार उसने 10 किया रन, 1 बार 5 है उसके। नहीं, क्या करूं बाबर आजम के साथ, जब भी बाबर आजम की चोली ची पावा मैं की करा बाबर आजम दी। छे मान यू बाबर आजम को, बस मैं इतना बोलूंगा, छे मान यू बाबर आजम। विराट किंग कोहली या क्रिकेट का किंग अब्बू है आपका, मान लो उसको। के आर राहुल, विराट कोहली, शुमन गिल, रोहित शर्मा ने आके आपकी बॉलिंग लाइन, आपका सत्यानाश किया।
फिर उनकी बॉलिंग लाइन अप में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, फाइफर आपकी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग का सत्यानाश करके 128 पे आपके आपको आके ऑल आउट करके आपकी औकात आपको बता के वो चले गए हैं और आप लोड़े लग गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान की रियलिटी है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस। दो दिन पहले बातें कर रहे हैं, वो तनवीर अहमद है, वो शुएब अख्तर है, इंडिया में जाओ, इंडिया को हराओ, बड़े आदमी बन जाओ। हम तो 2 सितंबर को जीते हुए थे, इंडिया और जय शाह ने बारिश ले आई, ये किया वो किया। अब भी बोलोगे जय शाह की वजह से हम हारे हैं, अब बोलोगे जय शाह ने हमें हरवाया है। अब क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को दूसरों के ऊपर इल्जाम जो है वो लगाने का तो बड़ा शौक है। इंडिया ने आपके साथ ये किया और आप ये डिजर्व भी करते थे। इंडिया श्रीलंका का फाइनल है एशिया कप का, अभी कुछ उम्मीदें लगा के ना बैठ जाना कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान जा रहा है, नहीं जा रहा। विराट किंग कोहली किंग है और मतलब फिर कुलदीप यादव ने इनको खत्म ही कर दिया। कुलदीप यादव के 10 ओवर खत्म नहीं हुए लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एंड हो गई। ऐसा तो कुछ सीन था। और मतलब यार बुमराह भी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा था, साथ ही साथ हार्दिक ने भी एक जबरदस्त बॉल डाली। मतलब ओवरऑल टीम इंडिया का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा और लग रहा है कि यार टीम इंडिया अपने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार है जो भारत में, और उसकी प्रेपरेशन बहुत तगड़े तरीके से भारत ने कर ली है अभी। पाकिस्तान के खिलाफ तो एटलीस्ट ये प्रूव कर ही दिया। भारत की आदत रही है पाकिस्तान को हराना, बीच में एक दो मैच ऊपर नीचे हो गए थे, बट हाँ भाई फिर से वही लय पकड़ ली है भारत ने कि कुत्तों की तरह हराना शुरू कर दिया पाकिस्तानी टीम को। रोना धोना तो मचेगा ही भाई, क्योंकि यार ये थोड़ी है कि एक दो मैच जीत जाओगे तो तुम शेर से पंगा ले लोगे हर बार। मैं मानता हूँ कि T20 में भारत एक दो मैच हारा है पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2019 के चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर भी एक हम तुमने हरा दिया तो हर बार हम हार जाएंगे। ओ भाई गलती किसी से भी हो जाती है, बाप बाप ही होता है, ठीक है। अब देखना तुम्हें कैसे हराते सभी मैचेस, ये तो ट्रेलर था, अभी देखना बहुत सारे मैचेस बचे हुए, तो हमारा शाहीन और हमारा नसीम बचा के रखना। अभी तो कम टूटे हैं मेरे हिसाब से, अभी तो हमारी नीचे की बैटिंग लाइनअप रह ही गई, अभी तो सिर्फ 4 बंदों का कमाल ये है कि तुम इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार है तुम्हारी, और अभी देखना सबका कमाल। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।